तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी के जथेदार सन्मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी और आए हुए विद्वान संत महापुरख दास दी सनिमर गुरफतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समा बहुत हो चुका है, मैं संखेप विच बेनती करनी है। दमदमी टकसाल के हैडक्वाटर का 50 साल मना का एडा वड्डा उपराला क्यों किया जा रहा? उहदा एक मुख कारण है कि दमदमी टकसाल के इस हैडक्वाटर ने 50 साल के विच कौम नूं की दिता। जिस धरती ते एक शहीद पैदा हो जाए, दुनिया उत्थे उस शहीद का मरकज बना के सदा वास्ते दुनिया उस नूं पूजदी है। गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब जी की खातर शहीद होने वाले योधे 300 तो उत्ते शहीद उस केंद्रीय स्थान विचों पैदा हुए। और बाद दा जो सिख कौम का संघर्ष चलिया जिस विच हजारा ही सिंह शहीद होए, वो भी दमदमी टकसाल दे उस मरकज की मुख देन है। और उस मरकज तो उस धुरे तो सिख पंथ दे एडे एडे विद्वान अज पैदा हुए जो सचखंड श्री हरिमंदर साहब और तख्तों उत्ते अज भी सेवा निभा रहे हैं। और उस मरकज ने 50 साल के अरसे लखां प्राणियों नूं खंडे बाटे का अमृत छकाउण विच रोल निभाया। और जो अज उत्थों ही पंज प्यारे साहबान जा के दुनिया के कोने कोने विच अमृत संचार की सेवा कर रहे हैं। और उस मरकज ने कौम नूं विद्वान रागी ढाडी और महान निष्काम गुरु पंथ दे सेवादार और पंथक विद्वान दिते है। इस करके उस महान केंद्र दा ये 50 साल क्यों मनाया जा रहा कि जिस शख्सियत दी बार बार गल होई है महापुरुख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी दी, उन्होंने उस स्थान नूं बनाउण वास्ते अपने शीश उत्ते इत्थे टोकरी ढोई है। आप महापुरुख लक बन के इट्टा गारा सीमेंट ये सारा कुछ अपने शीस ते ढोंदे रहे और नाल गुरबाणी का जाप करते रहे। सो सात संगत जी, ये संखेप दे विच मैं बेनती करनी सी कि क्यों उस मरकज का, और सब तो वड्डी गल उस मरकज तो समय की जालम हकूमत दे नाल लोहा लिया गया। जिन्हां जालम हकूमतों ने कौम दे उत्ते अत्याचार किते, उन्हां जालम हकूमतों के खिलाफ उत्थों संघर्ष लड़े गए है। सो सात संगत जी, ये सी थोड़ा जिहा मुख कारण। दूसरा, अज दा सैमीनार दमदमी टकसाल दे 8वें मुखी महापुरख संत ज्ञानी भगवान सिंह जी नूं ये दीवान ये सैमीनार अज दा समर्पित है। सब तो पहला सिख पंथ दे अंदर गुरबाणी दी मौखिक व्याख्या की जाती सी। धन गुरु अर्जन देव जी नूं भाई गुरदास जी ने पुछया सी, गरीब नवाज, गुरबाणी का अर्थ, गुरबाणी का जो व्याख्यान है उस लई कैड़ी परंपरा अपनाई जाएगी? तो धन गुरु अर्जन देव जी ने वचन किए सन, गुरबाणी दे अर्थ सिखां दी रसना दे उत्ते वसणगे। और वह मौखिक व्याख्या ही सिख पंथ दे अंदर हुंदी आई। और दसम पिता जी ने वह व्याख्या को ओंकार तो लैके 18-10-20 तक श्री दमदमा साहिब विखे 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां 9 पलां दे समय विच सारे गुरसिखां नूं, जिन्हां विच 48 सिंह और धन बाबा दीप सिंह जी, धन भाई मनी सिंह जी, धन बाबा गुरबख सिंह जी शामिल सन, उन्होंने वह गुरबाणी का अमोलक अर्थां का और शुद्ध उचारण का खजाना बख्शिया। जो सीना बसीना दमदमी टकसाल के मुखिया के हिरदे विच सतगुरु की कृपा नाल संभालिया रहा। और सब तो पहला सिंह सह महापुरख अमर शहीद ज्ञानी
भाई मनी सिंह साहब जी ने जो गुरबाणी की व्याख्या सचखंड श्री हरिमंदर साहब की तो लिखती रूप सब तो पहला गुरबाणी के अर्थों का जो टीकाकारी शुरू होई वह दमदमी टकसाल के तीसरे मुखी संत ज्ञानी सूरत सिंह जी ने अपने हस्त कमलों द्वारा शुरू की। और संत ज्ञानी भगवान सिंह जी का योगदान रहा कि गुरबाणी के अर्थों का पद छेद करना, यह पहली बार उन्होंने कौम नूं यह देन दिती। और उन्हां पास वड्डे वड्डे विद्वानां ने बेनती की कि भगत बाणी औखी बाणियां का टीका नहीं मिलता, अर्थां का विख्यान नहीं मिलता, तो पहली बार उन्होंने भगत बाणी का और आसा जी की वार का जिस विच दार्शनिक पक्ष धर्म का पक्ष बहुत सारे धर्मां दा जिहदे विच धन गुरु नानक साहब जी ने निचोड़ करके रखिया, आसा जी की वार का पाठ करोगे ना बड़ा सुखैन लगेगा। पर जदों व्याख्या करन लग्या वड्डे वड्डे विद्वान अपने मत्थे नूं पकड़ के बैठ जांदे है, आसा जी की वार की व्याख्या करनी बहुत कठिन है। इन्ना दार्शनिक पक्ष उस व्याख्या विच धन गुरु नानक साहब जी ने रखिया, आसा जी की वार का टीका भी उन्हां महापुरखों ने किया। और इस तरह नौवें मुखी संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी ने सब तो पहला गुरबाणी के अर्थों का अन्वे किवें करना, डॉक्टर हरभजन सिंह जी बैठे है, पुराने शास्त्रों में अन्वे दंडक अन्वे खंडक अन्वे जे दी व्याख्या करांगा बड़ा समा लगेगा। पहली बार सिख पंथ विच गुरबाणी का जिहड़ा अन्वे रीति नाल कथा करनी है ना, जिन्हों आपां लवंता शब्द विच कह के अज दे विद्वान बुलाउंदे है कि गुरबाणी का सिद्धांत पंक्ति दे विचकार तो कित्थों चुक के गुरबाणी का सारा अर्थ शब्द का जां पंक्ति का स्पष्ट करना, वह देन महापुरख संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी दी है जो दमदमी टकसाल के नौवें मुखी सन। और आप जी श्री अकाल तख्त साहब पंजा प्यारियां विच लग के संगतां नूं अमृत भी छकाउंदे रहे। और ज्ञानी बिशन सिंह जी क्रीट 100 साल की उम्र के मैनू 86 मिले, मैं उन्होंने दर्शन किए, अपने समय के बड़े वड्डे विद्वान सन। वो कहन लगे कि संत बाबा हरनाम सिंह जी कोलों जदों मैं छोटी उम्र विच विद्या पढ़ी ना, उदों एक गल सिख जगत के अंदर प्रसिद्ध सी कि श्री अमृतसर साहब के जिन्ने विद्वान सब तो वड्डी गिणती दे विच पैदा होए वह सारे सिख जगत का धुरा सन, और वह संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी की सब तो वड्डी देन सी पंथ दे अंदर। और महापुरख संत ज्ञानी बिशन सिंह जी मुराले वाले दमदमी टकसाल के सारे पक्षों पर विचार की है, दमदमी टकसाल के मुखिया ने तपीसवरां नालों भी दुनिया दे विच कोई घट तपस्या नहीं की, 24 घंटिया विच्चों 23 घंटे लगातार सिमरन करना एक मुठ छोले ते एक सेर पानी दा। साध संगत जी उन्होंने एक बारी पुछया कि इन्ना कठिन तप क्यों करदे हो और एक घंटा बराड़ दे हो, कहिंदे सतगुरु दा हुक्म है शरीर नूं आराम देना, पर एक घंटा भी बराजन नाल मैनू ऐ महसूस हुंदा कि जिवें कोई 24 घंटे बंदा पानी फसल नूं जां खेतां नूं लाउण वास्ते रोकदा रहे, ते जे एक घंटा वह पानी का नक्का खोल दिता जाए तो उहदे विच्चों किन्ना पानी वेस्ट हो जांदा अजाई चलिया जांदा, कहिंदे एक घंटे का भी एडा वड्डा डाढ़ा दुख साडे हिरदे नूं लगदा। और नाल गुरबाणी की कथा हत्थी सेवा हत्थी पीस के जिवें दस्या बुलारिया ने आप कड़ाह प्रसादी देग तैयार करनी और 23-23 घंटे सिमरन करना। और मैनू एक बारी डॉक्टर जसवंत सिंह जी नेकी विद्वान बैठे हो उन्हां दी पुस्तक लिखी अरदास उत्ते अज भी तुसी पढ़दे हो, मैनू दिल्ली गुरद्वारा रकाबगंज साहब मिले बिरध अवस्था विच, मैं उन्हां दे उचेचे दर्शन करन गया, दर्शन करन तो बाद फतेह तो बाद हस पए, कहन लगे मेरे परिवार की झोली विच जो कुछ भी है वह दमदमी टकसाल की कृपा की बख्शिश है,
मैं आख्या डॉक्टर साहब की कारण, कह लगे मेरे दादा जी संत बाबा बिशन सिंह जी मराले वालों के मराले नगर विच दर्शन करन गए और बड़ी भजन बंदगी वाली आत्मा सन मेरे दादा जी, उदों अजे पाकिस्तान नहीं बनिया सी। कहिंदे उन्होंने मन च संकल्प किया कि मैं जिस गुरसिख दे जिस महात्मा दे दर्शन करन चलिया उहदे दर्शन करके मैनू कुछ अज प्राप्त होना चाहिए। कहिंदे जदों मैं स्थान ते मेरे दादा जी गए वह मैनू सुनाया करदे सन, कहिंदे संत अमृत वेले गुरबाणी की कथा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तिताबिया बैठ के कर रहे सन, कथा सुनी और संतां दा एक सख्त हुक्म सी कि साडे पास कोई भी मिलन वाला जदों भी कोई आवे सानू मत्था ना टेके ना साडे पैरी हथ लावे, दूरों ही सानू फतेह बुला के बचन करे। मत्था केवल गुरु ग्रंथ साहब जी नू टेकना, किसे व्यक्ति नू मत्था नहीं टेकना। कहिंदे मेरे दादा जी दे मन विच श्रद्धा होई कि संत जे पूर्ण है तो अज मेरे ते कोई कृपा होनी चाहीदी है। बाहर आए कहिंदे मैं जोड़ियां वाली थां ते खलोता सी, संत आके सामने खलो गए, कोई वचन नहीं कीता, केवल मेरे पिता वाल मेरे दादा जी वाल निगाह पा के देखिया। निगाह पाउण दी देर सी, कहिंदे उन्हां दे रोम रोम विचों वाहिगुरु शब्द दा जाप अपने आप चल पिया। इस फिर उन्होंने मैनू एक बड़ी सुंदर एग्जैम्पल दिती, मैं अरदास विच उन्हां दी अरदास दी सारी पुस्तक अमेरिका विच पढ़ी सी, उहदे विच जिक्र आउंदा राह नुमाए दीदारे हक। कहिंदे उर्दू विच पुस्तक छपी सी पाकिस्तान दे विच के दीदार परमात्मा दे दीदार करन वास्ते केड़ा राह अख्तियार करना। कहिंदे ओ कलियां कलियां अध्यात्मवाद दियां मंजिलां सारियां संत बाबा बिशन सिंह जी दी संगत विचों प्राप्त करके मेरे परदादा जी ने पुस्तक लिखी और अज कहिंदे ओ मिलदी नहीं, केवल मेरे पास एक खरड़ा बाकी बैठिया। और ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन पंथ रतन सिख पंथ दे किड्डे वड्डे विद्वान होए, मैं तुहानू टकसाल दे मुखियां दे जीवन दी करनी दा केवल थोड़े थोड़े शब्दां विच बयान कर रहा कि ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन पटना साहब तो आ रहे सन, मैं भी नाल ही सी। मैनू कहन लगे जदों मैं युवा अवस्था विच विद्या दा ग्रहण कीता तां मेरे मन नू शांति आत्मक तृप्ति ना आई। किसी ने कहा कि तू गुरबाणी की जिहड़ी परमार्थ की व्याख्या है किसी अनुभवी महापुरख की संगत विचों जा के कर, यह विद्या उत्थों हासिल कर। कहिंदे मैं ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा सुंदर सिंह जी भिंडरां वालियां दे विद्यार्थी सन, संत बाबा बलवंत सिंह जी, कहिंदे उन्हां दे पास गया, सारी गुरबाणी की कथा उन्हां कोलों सुनी और सीखी और जिन्ना चिर मैं उन्होंने संगत विच रहा मेरा जिहड़ा हिरदा सी ना वह इतना सरशार रहा कि संत बाबा बलवंत सिंह जी दे दर्शन गुरबाणी की व्याख्या और उन्हां दी संगत ने मेरा हिरदा आत्मक तृप्ति नाल मालो माल कर दिता। कहिंदे मैनू जो टकसाल ने दिता मैनू अज तक कितों भी प्राप्त नहीं होया। मैं एडे एडे विद्वानों का तां जिक्र कर रहा कि टकसाल दे मुखियां तो उन्होंने विद्यार्थियों तो कौम दे एडे एडे विद्वानों ने भी अपने जीवन दे विच बहुत वड्डे कृष्णमई जिहड़े कौतक सन मरातवे सन वह उन्हां कोलों हासिल कीते। सो सात संगत जी संत बाबा बिशन सिंह जी इन्हां सारियां हस्तियों नूं तिन्ना महापुरखों नूं अज दा सैमीनार समर्पित है। मैं सब तो पहला आप गुरु कीआं संगतां दा बड़े लंबे समय तो तुसीं 10:30 बजे तो इत्थे बैठे हो, बड़ी दूरों दूरों संगत आई है, सब तो पहला मैं गल विच पल्ला पा के आप संगत दा रोम रोम करके धन्नवाद करदा। फिर मैं सन्मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहिब जो अज साडे सैमीनार की प्रधानगी कर रहे हैं, उन्हां दा दिल दीआं गहराइयां विच्चों बहुत बहुत धन्नवाद करदा। सेवा सिमरन दे पुंज महान पवित्र आत्मा महापुरख
संत बाबा अमरीक सिंह जी कार सेवा पटियाले वाले मैनू बाबा हरबंस सिंह जी पंथ रतन दिल्ली वाले एक बारी कहन लगे, कहिंदे हरनाम सिंघा बाबे गुरमुख सिंह दी जो परंपरा सी ना कार सेवा विच, जो सख्ती वाले निजम सन, अज साडी सारी कार सेवा संप्रदाय कोलों अलोप हुंदे जा रहे है। जे किसे ने उन्हां निजमां नूं संभाल के रखिया तो वह जथेदार अमरीक सिंह जी पटियाले वालियां कोले केवल उन्हां दे बचदे नियम रह गए है, जिन्हां ते वह रोम रोम करके श्वास श्वास करके पहरा दे रहे। ये पंथ रतन बाबा हरबंस सिंह जी दे बचन जिहड़े उन्होंने मैनू अपने मुखारबिंद तो किसी समय कहे सन। सो महान आत्मा संत बाबा अमरीक सिंह जी कार सेवा पटियाले वाले जो अज दे सैमीनार दे साडे महान महापुरख मेहमान हैं, और विशेष मेहमान गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहब जी दे मुख हैड ग्रंथी सन्मान जो ज्ञानी प्रणाम सिंह जी, क्योंकि ये शहर विच दमदमी टकसाल दे 11वें मुखी महापुरख पंथ रतन संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी भिंडरांवाले, संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा, संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा और संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा, संत बाबा ठाकुर सिंह जी खालसा इस स्थान ते आके कथा दा प्रवाह चलाउंदे रहे। सत संगत जी, एक वाकयात याद आया तुहाडे नाल सांझा करन वाला। संत बाबा सुंदर सिंह जी पटियाले शहर विच आए हुए सन कथा वास्ते। महाराजा भुपिंदर सिंह नूं पता लगा कि मैं महापुरशां दे दर्शन करने और कथा सुननी है। उन्हां दी कथा बड़ी अलौकिक सी। इस स्थान ते आके जदों कथा सुनी उन्हें बेनती की कि मेरे राज महलां विच भी चरण पाओ और कथा सुनाओ। महापुरख कहन लगे जे सानू कथा लई लैके जाणा पहला श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करना पवेगा। मैं एक बेनती अज करनी चाहुंना, अज कथा नूं लैक्चर दा रूप दे दिता गया, कथा कथा नहीं रह गई। विद्वान की करदे अज लैक्चर कर रहे, कथा नहीं कोई कर रहा। कथा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की ताबिया हो सकती है, भावें श्री मुखबाग की होए भावें लड़ीवार, तो गुर इतिहास की कथा गुर इतिहास दियां पोथियां तो हो सकती है। ये ख्याल रखन की लोड़ है। दमदमी टकसाल की कथा की विशेषता क्यों दसी गई है कि दमदमी टकसाल ने असल मायनों में गुरबाणी की कथा नूं सीना बसीना कौम दे विच उवें प्रचारिया जिवें कलगीधर पातशाह जी ने इन्हां दी झोली विचों दात पाई, ते अज भी उस परंपरा नूं जारी रख्या होया है। महाराजा साहब कहन लगे जरूर प्रकाश करांगे। कीर्तन होया, एक घंटा संतां ने कथा की, वड्डे वड्डे राजन हर भूमन ता की त्रिशन ना बुझी। ये बुझी नहीं है, बुझी शब्द है। व्याख्या की महाराजा भुपिंदर सिंह दे ते, जिहड़े राजे लोग होंदे आ इन्हां दे नेड़े वैराग नहीं कदे आ सकदा। ये राज भाग दे विच दुनिया दे सुखां विच लिप्त होया करदे आ। पर उन्हां दी कथा दा ऐसा असर होया कि महाराजा भुपिंदर सिंह दे अखां विचों अथरू डिगदे रहे और उन्हां दा सारा परना अथरूआं नाल भिज गया। ते कथा तो बाद उठ के संतां दे चरण फड़न लगे, कहन लगे जिंदगी विच अज पता लगा कि मनुखा जीवन दा मकसद की है। जिंदगी भुले रहे कि जिंदगी मिली किस वास्ते है। अज किसे महापुरख दी रसना तो कथा सुनी ते जीवन दी असल सच्चाई दा पता लगा, मैनू बख्श लो, मैं बड़ा गुनाहगार हाँ। महापुरख कहन लगे बख्शिंद धन गुरु ग्रंथ साहब हन, जे बख्शाउणा तां धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह कोलों अपनियां भुल्लां नूं आपां सारे ही बख्शाईए। ये नहीं कहा भी तूं बख्शा, यही टकसाल दे मुखियां दी सिंघां दी विशेषता, निरअभिमान जीवन, निरहंगता वाला ते हउमै तो रहत जीवन। उन्होंने कदे भी अपनी विशेषता नहीं रखी। उन्होंने इहो गल कही आपां सारे गुरु के चरणों विच्चों अपनियां भुल्लां बख्शाईए। इहो जिहा उह कथा, इहो जे उन्हां दे जीवन, इहो जिहा उन्हां दियां करड़ियां सन, जिन्हां तो दुनिया दे वड्डे वड्डे लोग राज भाग दे सुखां विच मस्त लोग भी साध संगत जी सरसार हुंदे सन। सो इस करके पटियाला शहर
ਜਿੱਥੇ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਇਹ ਛੇ ਮੁਖੀ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਗਨ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕੁਟੀਆ, ਜੋ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਬਲਾਨ, ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਟ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡੋਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਏ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਟੀਆ ਨਾਨਕਸਰ, ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੂਪੁਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਟੇਟ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਚਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ, 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਵਿਖੇ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮੁੰਬਈ, 14 ਅਕਤੂਬਰ 13 ਨੇ ਜੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ, 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮੋਗੇ ਵਿਖੇ, ਔਰ 23, 24, 25 ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਆਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਈਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਰ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਵਲਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਟ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਨਕ ਸਰ ਕੁਟੀਆ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਧਰੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜਾਜ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਦਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂਟਿਊਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।